नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर हमारे इस चैनल में। मैं हूं श्रृंगार और आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं दो गाड़ियों में कंपैरिजन। एक होगी हुंडई ऑरा और दूसरी होगी टाटा टिगोर। दोनों गाड़ियां कॉम्पैक्ट या सेमी सेडान हम कह सकते हैं, मतलब पूरी तरह से सेडान नहीं होती, सब 4 मीटर के अंदर आती है। सेडान सा लुक, अच्छा खासा कम्फर्ट और बहुत सारे फीचर्स के साथ। तो दोनों को कंपेयर करके जानेंगे कि यार एक प्राइस रेंज में आपको कौन सी गाड़ी लेनी है। एक गाड़ी जो टिगोर है लगभग 8-8.5 लाख में कंप्लीट होती है, ऑरा देखेंगे लगभग 10 लाख तक भी जाता है इसका प्राइस। सो क्या ऑरा पे जम करना है या फिर टाटा टिगोर आपके लिए बेस्ट चॉइस होगी, देखेंगे इस वीडियो में। लेकिन इससे पहले अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले जाकर सब्सक्राइब कर लीजिए आगे इस तरह के अपडेट्स पाने के लिए। प्राइस रेंज से शुरू करेंगे दोस्तों। ऑरा का जो प्राइस है शुरू होता है 5,98,000 रुपये से, मतलब 6 लाख रुपये से। अब आप ये समझ के चलिए कि यार ये एक्स शोरूम प्राइस में आपको बता रहा हूँ, मतलब लाख रुपए तो इस पर आपको एडिशन लगेगा ही जब आप खरीदने जा रहे हैं। 5,98,000 मतलब लगभग 7,00,000 तक आपको पे करने होंगे। टॉप एंड पर जाएंगे इस गाड़ी के तो 9,36,000, बट डीजल वेरिएंट होता है। पेट्रोल अगर टॉप एंड देखें तो वहाँ पर 8,72,000 रुपीज़ में एक वेरिएंट आता है SX प्लस, जो कि टॉप होता है इसका, उससे हम कंपेयर करेंगे टिगोर के टॉप एंड वेरिएंट से, जो कि XZA+ होता है 7,74,000 रुपये में, 7,74,000 रुपीज़ में। और बेस वेरिएंट का प्राइस होता है टिगोर का 5,60,000 रुपये। सो हम दोनों गाड़ियों के टॉप एंड पेट्रोल वेरिएंट्स को कंपेयर कर रहे हैं। इंजन पर चलते हैं। ऑरा का जो इंजन है वहाँ पर लगा हुआ है 1.0 लीटर का टर्बो चार्ज्ड GDI पेट्रोल इंजन, 998 cc का इसका डिस्प्लेसमेंट होता है, 3 सिलेंडर इंजन है। टिगोर में लगा हुआ है रिवोट्रॉन 1.2 लीटर पेट्रोल इंजन, टर्बो चार्जर यहाँ पर नहीं लगा हुआ है, 1199 cc डिस्प्लेसमेंट, 3 सिलेंडर होता है सिर्फ। सो दोनों गाड़ियों में सिलेंडर की जो है सेम है, छोटा इंजन ऑरा में लगा हुआ है, थोड़ा बड़ा इंजन टिगोर में लगा हुआ है। बट क्योंकि ऑरा में आपको टर्बो चार्जर मिलता है, इसकी पावर थोड़ी ज़्यादा मिलती है, कैसे वो देखते हैं। देखिए ऑरा जो है मैक्सिमम पावर बना सकती है 99 VHP की, 6,000 RPM पर आपको 99 VHP का पावर दे सकती है। और टॉर्क ये प्रोड्यूस करती है दोस्तों 172 Nm का 1500 RPM पर, मतलब बहुत कम RPM पर आपको मैक्सिमम टॉर्क मिलने लग जाता है। उससे क्या होगा, उससे आपको गाड़ी को, मतलब जब आप इनिशियल स्टेज से गाड़ी को मूवमेंट देते हैं तब भी आपको अच्छी खासी पावर फील होगी, और जब आप 60-70 की स्पीड से 80 पर ले जाना चाह रहे हैं गाड़ी को तो वहाँ पर जब एक्सेलरेटर टोटल दबाएंगे वहाँ पर भी आपको फील होगा कि भाई गाड़ी को पावर मिल रहा है काफ़ी ज़्यादा, लैग नहीं मिलेगा, डीजल इंजन में ज़्यादातर देखने मिलता है। टाटा टिगोर की बात करें 84 BHP की पावर बनाता है ये गाड़ी 6,000 RPM पर, और टॉर्क जो है 113 Nm का 3300 RPM पर मिलता है। सो इसे हम ख़राब नहीं कहेंगे कि भाई बहुत कम सा कम टॉर्क मिल रहा है या बहुत कम पावर मिल रहा है। एक्चुअली दोस्तों ऑरा में आपको टर्बोचार्ज पेट्रोल इंजन दिया गया है, लेकिन बाकी अगर इसी सेगमेंट की बात करें तो टर्बोचार्ज पेट्रोल इंजन की ज़रूरत नहीं होती है, कंफर्ट के लिए गाड़ी बनाई जाती है ना कि रेसिंग के लिए। तो टिगोर आपको अच्छा खासा फैमिली कार गाड़ी बन सकती है। माइलेज दोनों गाड़ियों का लगभग 20 से 21 का माइलेज होता है। फ्रंट व्हील गाड़ियाँ होती है दोनों। अब यहाँ पर ऑरा मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ आती है, 5 गियर्स लगे हुए हैं। टाटा टिगोर आपको ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन के साथ मिल जाती है, 5 गियर ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन के साथ। बात करें अगर लेंथ की, विड्थ की, तो दोनों गाड़ियों की लेंथ लगभग बराबर है, विड्थ में ज़्यादा कुछ फर्क नहीं है, हाइट में फ़र्क नहीं है। व्हील बेस भी 2450 mm का है, दोनों गाड़ियों का सेम है, मतलब कैबिन एरिया तो लगभग बराबर ही मिलने वाला है। अब उसमें देखना है कि भाई सीट अपोस्ट्री कैसी है, सीट्स कितनी बड़ी हैं। लेग रूम तो आपको लगभग बराबर सा मिलेगा, कुछ उसमें ज़्यादा फर्क नहीं मिलेगा। फिर इंटीरियर का डिज़ाइनिंग कैसा किया गया, इंटीरियर में क्या कलर्स यूज़ किए गए हैं, उस पर डिपेंड करेगा कि कितना बढ़िया सा आपको इंटीरियर मिलता है। बूट स्पेस कैपेसिटी बता दूँ, देखिए 402 लीटर का बूट स्पेस यानी कि डिक्की होती है ऑरा की, टिगोर में 419 लीटर की मिल पाती है। अगर बढ़ें एक्सटीरियर की तरफ तो देखिए रूफ माउंटेड एंटीना दोनों गाड़ियों में देखने मिलेगा डंडा सा, और बॉडी कलर के बम्पर्स तो मिलते ही हैं। टॉप एंड खरीद रहे हैं आप, बेस भी खरीदेंगे तो बॉडी कलर के बम्पर ही मिलते हैं। LED DRLs दोनों गाड़ियों में लगे हुए हैं, क्या होते हैं, डे टाइम रनिंग लाइट्स हैं, आपको आपके हेडलाइट्स के ऊपर में एक स्ट्रिप देखने के लिए मिलेगी, लाइट्स जलते रहते हैं, दिन भर जलते रहते हैं, रात में भी जलते रहते हैं, उन्हें कहा जाता है LED DRL, उन्हें कहा जाता है DRLs, डे टाइम रनिंग लाइट्स। फॉग लैंप्स दोनों गाड़ियों में सामने की तरफ लगे हुए हैं, हर समय आपको चलाने की जरूरत नहीं है, जब फॉग हो तब चलाइए। दोनों गाड़ियों में हैलोजन प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स लगे हुए हैं, मतलब फोकस अच्छा खासा सा रहेगा, बढ़िया आपको जो है विजिबिलिटी सामने की रहेगी। फॉलो मी होम हेडलैम्प्स का फीचर दोनों गाड़ियों में है। क्या होता है ये, क्या चीज़ होती है दोस्तों, घर आप मान के चलिए आपकी लाइट चालू थे, अब आप घर वापस आए हैं रात के समय, आपने गाड़ी बंद कर दी है,
ऐसे समय पर गाड़ी को पता होता है कि भाई हो सकता है गाड़ी बंद होने के बाद कोई लाइट वहां पर अवेलेबल ना हो, तो गाड़ी जो है 2-3 मिनट तक आपको रास्ता दिखाती रहती है, भाई आप घर तक पहुंच जाइए। टेल लाइट दोनों गाड़ियों में एलईडी लगा हुआ है। कैबिन लैंप्स की बात करें तो फ्रंट में, रियर में आप कैबिन लैंप्स ऑरा में मिलेंगे। टाटा टिगोर में सेंटर में दे दिया गया कैबिन लैंप्स, अगर आप पीछे भी लाइट का यूज करना चाह रहे तो वही सेंटर वाला लाइट आप यूज कर पाएंगे। देखिए ड्राइवर सीट का जो है एडजस्टमेंट 6 वेज में आप कर पाएंगे ऑरा में, टाटा टिगोर में आप 8 वेज में कर पाएंगे। सीट अपोल्स्ट्री फैब्रिक मिलेगी दोनों गाड़ियों में, ड्यूअल टोन इंटीरियर होगा। अब ऑरा में जो है आपको ब्लैक के साथ रेड इंसर्ट्स मिलने वाले हैं इंटीरियर में, जबकि टाटा टिगोर में लाइट ग्रे और स्लेट कलर के आपको मिलेंगे। लाइट ग्रे कलर उसके साथ मिला दिया स्लेट कलर, तो काफ़ी अच्छा सा इंटीरियर यहाँ पर टाटा टिगोर में बनेगा, ऑरा में भी काफ़ी बढ़िया सा बनेगा। लेकिन ज़्यादा रिच लुक जो है टाटा टिगोर में आपको मिलता है, जिससे जैसे पर्सनली आप जाकर देखेंगे तो आपको समझ आएगा कि यार थोड़ा बढ़िया सा लुक आपको टिगोर में दिया गया, कोशिश की गई है कि ज़्यादा रिचनेस आपको वहाँ पर मिले। सो कंफर्ट की बात करें दोस्तों, दोनों गाड़ियाँ एक दूसरे से बिल्कुल भी कम नहीं है। चारों विंडोज पावर विंडोज होती हैं, 1 टच डाउन का ऑप्शन दोनों गाड़ियों में ड्राइवर सीट के लिए अवेलेबल होगा। टर्न इंडिकेटर जो है आउटसाइड रियर व्यू मिरर पर लगे हुए हैं, उससे क्या होता है ज़्यादा अच्छी विजिबिलिटी बढ़ती है। जो बाहर के आईने होते हैं उसके ऊपर भी इंडिकेटर लगने की वजह से, तो यहाँ पर टर्न इंडिकेटर लगे हुए हैं। रियर डिफॉगर दोनों गाड़ियों में लगा हुआ है। इसके अलावा अगर एसी की बात करें तो दोनों गाड़ियों में ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल का ऑप्शन का फीचर मिल जाता है आपको। कॉमन फैन स्पीड होगी। रियर एसी वेंट्स आपको हुंडई ऑरा देती है, टाटा टिगोर में चीज़ अवेलेबल नहीं है। हालांकि आपको ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी, इतना छोटा सा कैबिन स्पेस है उसके लिए 2 AC 4 AC वेंट जो सामने की तरफ होते हैं काफ़ी होते हैं दोस्तों, काफ़ी अच्छी कूलिंग आपको प्रोवाइड करते हैं। फिर भी अगर आपको मतलब फैन से हवा लेने की आदत है तो फिर आपके लिए ज़्यादा बेटर ऑरा हो सकती है। हीटर ऑरा में अवेलेबल है, टाटा टिगोर में नहीं है। तो इंडिया की कंडीशंस को देखकर बनाया गया है, इतना ज़्यादा ठंडी जगह होती नहीं है कि आपको हीटर की ज़रूरत पड़े। वैनिटी मिरर जो है को ड्राइवर के साइड पर लगा हुआ है। पार्किंग असिस्ट दोनों गाड़ियों में रिवर्स पार्किंग कैमरा मिलता है, साथ ही पार्किंग सेंसर मिल जाते हैं, तो पार्किंग करने के लिए काफ़ी आसानी आपको यहाँ पर हो जाएगी। कीलेस एंट्री दोनों गाड़ियों में मौजूद है। कंफर्ट देख ही लिया है तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों, एंटरटेनमेंट की भी बातें कर लेते हैं। क्या कुछ एंटरटेनमेंट के फीचर है देखिए, टच स्क्रीन डिस्प्ले मिलेगा दोनों गाड़ियों में, एप्पल कारप्ले और एंड्रॉयड ऑटो की कनेक्टिविटी मिलेगी, मतलब बहुत ही बढ़िया कनेक्शन मिल जाएगा। स्पीकर आपको ऑरा में 4 मिलते हैं, टाटा टिगोर में 6 स्पीकर दिए गए हैं हार्मन कार्डन की तरफ से, बहुत बढ़िया साउंड क्वालिटी के साथ। यूएसबी की कंपैटिबिलिटी है, ऑक्स की कंपैटिबिलिटी मिल हो जाती है। MP3 प्लेबैक कर सकते हैं, AM/FM रेडियो यहां पर कनेक्ट कर सकते हैं। स्टीयरिंग पर कंट्रोल्स मिल जाते हैं आपको दोनों गाड़ियों में, मतलब कॉल रिसीव करना है, रिजेक्ट करना है, साउंड कम ज़्यादा करना है, गाने आगे बढ़ाने हैं, फॉरवर्ड करना है, तो ये चीज़ें मिल जाएगी। वॉइस कमांड का भी फीचर अवेलेबल होता है। सेफ्टी से पहले एक बार मैं टायर साइज बताना चाहूँगा दोनों गाड़ियों के। दोनों गाड़ियों में सामने की तरफ डिस्क ब्रेक, पीछे की तरफ ड्रम ब्रेक्स मिलेंगे। दोनों गाड़ियों में अलॉय व्हील मिलेगी। टायर का जो साइज होगा दोनों गाड़ियों में लगभग सेम है। 175/60 R15 के व्हील्स मिलते हैं, मतलब 15 इंच के अलॉय व्हील्स मिलेंगे। 175 mm उनकी चौड़ाई होने वाली है। टायर की जो वॉल है साइड वॉल, उसकी हाइट बराबर रहने वाली है। सेफ्टी की बात करें तो देखिए 2 एयरबैग मिलेंगे, सीट बेल्ट के लिए वार्निंग मिलेगी दोनों गाड़ियों में। एक चीज़ एक्स्ट्रा हुंडई ऑरा में मिलती है, वो है चाइल्ड सीट एंकर पॉइंट, टाटा टिगोर में ये चीज़ नहीं है। एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम के साथ आता है। इलेक्ट्रॉनिक ब्रेक फोर्स डिस्ट्रीब्यूशन दोनों गाड़ियों में मिल जाती है। टाटा टिगोर में यहाँ पर एक एक्स्ट्रा चीज़ मिलती है, वो है ब्रेक असिस्ट। ब्रेक असिस्ट क्या करेगा, हाई स्पीड पर आप चल रहे हैं, आपके सामने भी कोई गाड़ी चल रही है, अब सामने वाली गाड़ी ने सडन ब्रेक लगा दी है, सो आप उससे कोलाइड ना कर जाएं, ये गाड़ी आपकी मॉनिटर करते चलेगी, एक सर्टेन डिस्टेंस मेंटेन करते हुए चलेगी गाड़ी से। अगर उसने सडन ब्रेक लगाया तो आपकी गाड़ी भी ये चीज़ को मॉनिटर करके अपना भी ब्रेक लगाएगी, अप्लाई करेगी, ताकि कोलिजन ना हो सके। सो हमने देखा दोस्तों कि पावर के मामले में हुंडई ऑरा थोड़ी आगे निकल सकती है, बाकी कंफर्ट के मामले में, फीचर्स के मामले में थोड़ी सी टाटा टिगोर यहाँ पर आगे हो जाती है। साथ ही आपको 4-स्टार की एनकैप रेटिंग वाली गाड़ी मिलती है टाटा टिगोर, जिसमें कि सेफ्टी के लिए आपको 2-3 बार सोचने की ज़रूरत नहीं होगी, बहुत ही बढ़िया सेफ्टी के साथ ये गाड़ी आती है दोस्तों। ऑरा का अभी तक कोई एनकैप रेटिंग नहीं मिली है, ऑरा ने अभी तक कोई टेस्ट कराया नहीं है, सो जो चीज़ टेस्टेड है उस पर आप जा सकते हैं, सेफ्टी वाइज आप चेक कर सकते हैं टाटा टिगोर को। आई होप वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा, अगर पसंद आया तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट ना भूलें। फिलहाल के लिए इतना ही, धन्यवाद।